नमस्ते मेरे भाई बहनों, जय जय नंद। आप देख रहे हैं आपका अपना केजी ब्लॉग। सो गाइस, फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा कटक किसी काम से, और ब्लॉग तो नहीं बनाने वाला था लेकिन सोचा बना देता हूँ। वैसे भी तो कंटेंट वगैरह नहीं मिलता। वहाँ पर एक देवी मंदिर भी जाने वाला हूँ, टेंपल लेके, वो थोड़ा दिखा देंगे ब्लॉग वगैरह में। सो थोड़ा सा कंटेंट वगैरह हो जाएगा, इसीलिए ब्लॉग बना दिया, बनाने वाला था। सो रेडी वेडी हो गया, मतलब अचानक से ही ब्लॉग स्टार्ट किया। सो चले चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल तो मैं बैठ गया गाड़ी में और यहाँ पे बारिश हो रहा है। सो चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको टेंपल। 2000 years later. So guys, फिलहाल तो अभी हमने खोरदा साइड एंट्री किया। सो बाहर का व्यू देखो। गाइस बाहर देखे, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और ये फ्लड वाला एरिया है। वो उधर पहाड़ है, इधर हर साल फ्लड आता है और बड़ा अच्छा व्यू है। राइस के फील्ड हो गया, वेजिटेबल फार्मिंग होता है इधर बहुत ज़्यादा। सो मस्त व्यू है। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। सो गाइस, रोड का हालत देखिए, मतलब कितना ज़्यादा पानी है। मैं पानी हो गई पूरा, इसीलिए इधर ज़्यादा फ्लड आता है। A few inches later. सो गाइस, ये देखिए रोड का हालत, मतलब पीछे था इतना ज़्यादा बारिश और इधर पूरा धूप, ऊपर थोड़ा बादल है लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं इस साइड। वाह भाई, यही है मौसम का माया, कोई नहीं जान पाया। मतलब लिटरली थोड़ा सा भी बारिश नहीं है और पीछे इतना ज़ोर का बारिश। छोड़ी काट दिए अपने जूते गाड़ी में, क्योंकि अभी ये मंदिर जाना है। और नीचे देखिए, मेरे सफ़ेद जूतों का तो बैंड बज जाता अगर मैं चप्पल पहन के जाता, मतलब जूते पहन के जाता। चलिए चलते हैं। तो ये है माँ चर्ची का टेम्पल, जो कि कटक के बांकी के डिस्ट्रिक्ट में है। सो चलिए ऊपर चलते हैं। सो गाइस, ये स्ट्रक्चर देखिए, मतलब पूरा वुडन स्ट्रक्चर है और ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा है, मतलब पूरा वुडन स्ट्रक्चर और ये देवी की मूर्ति। पीछे पूरा जंगल है, ये पूरा घना जंगल दिख भी नहीं रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ है घर वर, पूरा जंगल ही जंगल। सो गाइस, फिलहाल तो हम गाड़ी में बैठ गए और चले चलते हैं घर। सो गाइस, फिलहाल हम आ गए हैं पूरी, और मैंने मिडिल में कुछ शूट नहीं कर पाया, उसका रीज़न घर जा कर बताऊँगा। फिलहाल तो हमने कुछ खाया नहीं, इसीलिए फिलहाल हॉलीडे रेस्टोरेंट में फ़ोन करके बोले वो हमारा पार्सल रेडी करके रखेंगे। सो चलिए वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा पिक करके आते हैं फूड। सो गाइस, मेरा खाना तो तैयार है, मैं बैठा हूँ इधर। सो उनका स्टाफ गया है रेस्टोरेंट से, खाना लेके आएगा और मेरे को देगा, फिर चलेंगे घर। सो चलिए। सो गाइस, फिलहाल तो मैं आ गया घर और बीच में से मेरे को ब्लॉग बंद करना पड़ा क्योंकि मेरा चार्ज हो गया था 12%। क्योंकि गाइस, पहले तो वो टेंपल से आने के बाद हम किसी के घर गए और वहाँ पे थोड़ा खाना पीना किया, और तब मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि आओ पबजी खेलना, एक मैच खेल के चले जाओ। फिर मैंने बोला ठीक है, और मैं गया और एक मैच खेला और जिसको मारा उसके साथ झमेला हो गया। मतलब रैंडम में एक बंदा था, हम लोग तीन थे, हमारे स्क्वाड मेंबर तीन थे, वो रैंडम वाले ने गाली गलौज दिया, उसके ऊपर हमने बम डाल दिया, उसको मार दिया। फिर उसने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जब हमारा मैच ख़त्म हुआ तो वो हमारा टीम में आया और फिर से गाली गलौज दिया। फिर उसने बोला रूम में चलो, फिर उसका स्क्वाड और हमारा स्क्वाड में पूरा 2-3 मैच हो गया रूम, हम तो जीत गए। फिर भी मेरा चार्ज हो गया डेड, हो गया 12%। बहुत मुश्किल से उसके बाद गए कटक के टाउन, वहाँ पर थोड़ा काम था,
और फिर मैंने ब्लॉग क्या करूँ 12% में, इतना दूर से आना है, क्या होगा क्या नहीं, फ़ोन ज़रूरी है, इसलिए मैंने ड्रोन बुझ के ब्लॉग नहीं किया। सो अभी आ गए घर, जैसा भी था जो भी था, अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही दिल देते रहिए, लाइक ठोकते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटा ज़रूर ठोकना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।